नमस्कार, आप देख रहे हैं भरोसेमंद चैनल सी टेन न्यूज। तो देखते हैं आज की खास खबर। फिरोजाबाद में सरकारी हॉस्पिटल में तैनात कर्मचारियों के परिजनों का चल रहा है प्राइवेट एम्बुलेंस का गोरख धंधा। हॉस्पिटल में आए घायलों को सरकारी एम्बुलेंस नहीं होने देते उपलब्ध। खुद की निजी एम्बुलेंस से कर रहे मरीजों से अवैध वसूली। कमीशन खोरी के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को भर्ती। जी हां, निजी एम्बुलेंस का ये गोरख धंधा फिरोजाबाद जिले के सुखाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय का है, जहां पर रिटायर हॉस्पिटल कर्मचारियों के परिजनों ने खुद की निजी एम्बुलेंस सेवा से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में आए घायलों को सरकारी गाड़ी से वंचित कर खुद की गाड़ी से दूसरे हॉस्पिटल के लिए ले जाने का काम कर रहे हैं और रेफर किए मरीजों को जिला अस्पताल की जगह अन्य प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराकर कमीशन भी ले रहे हैं। तो देखते रहिए सी टेन न्यूज के साथ जुनैद खान की ये रिपोर्ट। प्राइवेट एम्बुलेंस का खेल चल रहा है, वो क्या है? प्राइवेट जो एम्बुलेंस अभी चल रही है यहाँ के संयुक्त हॉस्पिटल सुखावार के कर्मचारी लोग प्राइवेट अपनी एम्बुलेंस लगा करके और यहाँ से मरीजों को ढो करके और प्राइवेट मतलब हॉस्पिटलों में ले जाते हैं। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो यहाँ उन पर जो मरीज पर अतिरिक्त भार बढ़ता है, उसका किराया भी लेते हैं, वहाँ से कमीशन भी लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। और जो हमारी यहाँ की जो आपकी मतलब एम्बुलेंस हैं, जो एम्बुलेंस हैं दो दर्जन के आसपास एम्बुलेंस हैं, तो उनको पूरी तरह सरकारी कार्य में जो है सरकारी लोगों को पलीता लगा रहे हैं। ये वो एम्बुलेंस को मरीजों से टचिंग नहीं होने दे रहे हैं, मरीजों को जो है उन एम्बुलेंस से जाती नहीं है, तो ये सरकार को भी पलीता लगा रहे हैं। तरीके से व्यवस्थित और सुरक्षित करके ये मेरी मांग है कि सुरक्षित और व्यवस्थित सही तरीके से इसका संचालन किया जाए। आखिर ये प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक हैं वो कौन हैं? वो ये मैंने मेरे संज्ञान में आया है कि ये कर्मचारी जो है संयुक्त हॉस्पिटल के ही कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस लगा करके ये मरीज को ढो रहे हैं और मरीज से किराया ले रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर उनका इलाज, तो वहाँ से डबल खेल चल रहा है इनका कमीशन का। आखिर हॉस्पिटल के अधिकारी क्यों नहीं कुछ डॉक्टर क्यों नहीं रोक रहे हैं इसे? अब डॉक्टर सब मिली भगत है, इनकी सबकी मिली भगत है। हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी या डॉक्टर्स हैं सबकी मिली भगत है, सबको संज्ञान है। इन्हें तो बस कैसे लूट का पैसा चाहिए, पैसे के चक्कर में।